मोगेम्बो खुश हुआ। सुनते ही हमारे दिमाग में एक नाम आता है, वो है अमरीश पुरी का। जी हाँ, अमरीश पुरी का आज जन्मदिन है। अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 में पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। अपनी 21 साल की सरकारी नौकरी छोड़कर उन्होंने बॉलीवुड फिल्म रेशमा और शेरा से 1971 में अपना डेब्यू किया था। उसके बाद उन्होंने मिस्टर इंडिया, नायक, नगीना, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी बड़ी फिल्मों में भी काम किया। तो वही भले ही आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन लाखों दिलों में वो आज भी जिंदा है। 15 अगस्त 2018 को रिलीज होने जा रही फिल्म गोल्ड की रिलीज डेट बदल चुकी है। बता दें कि 15 अगस्त को अक्षय की गोल्ड के साथ धर्मेंद्र की यमला पगला दीवाना और जॉन इब्राहिम की सत्यमेव जयते रिलीज हो रही है। तो वहीं डेट क्लैश होने की वजह से अक्षय अपनी फिल्म को 14 अगस्त को ही रिलीज कर सकते हैं, जिससे कि उनकी फिल्म को ज्यादा लाभ होगा। तो वहीं बाकी फिल्मों ने भी अगर डेट शिफ्ट का विचार कर लिया तो अक्षय की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जाह्नवी और ईशान की डेब्यू फिल्म धड़क जल्द रिलीज होने वाली है। ऐसे में फिल्म का टाइटल ट्रैक जारी किया जा रहा है। जो कमी फिल्म के ट्रेलर में थी उसकी भरपाई इस गाने ने कर दी है, यानी कि गाने में आप दोनों का प्यार रोमांस देख सकते हैं। बता दें कि श्रेया घोषाल और अजय गोगावले ने मिलकर इस ट्रैक सॉन्ग को गाया है। यह मूवी एक मराठी फिल्म सैराट का हिंदी रीमेक है, जिसके डायरेक्टर शशांक खेतान है। तो वही इसको प्रोड्यूस करण जौहर कर रहे हैं। बैंकॉक में 22 से 24 जून को होने वाले आईफा अवार्ड्स में आप अब शाहिद का डांस परफॉर्मेंस नहीं देख पाएंगे। दरअसल डांस रिहर्सल करते वक्त शाहिद की पीठ में खिंचाव के कारण दर्द उभर आया है। इस वजह से वो इस बार आईफा अवार्ड्स में परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। जहां अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस के लिए शाहिद बड़े उत्सुक थे, लेकिन चोट के कारण उन्होंने अपने कदम वापस खींचने पड़े। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की शादी की तारीख पक्की हो चुकी है। बताया जा रहा है कि दोनों 10 नवंबर को शादी कर रहे हैं। दिलचस्प बात ये रही कि 2-3 दिन पहले ही दीपिका पादुकोण ने भी रणवीर सिंह की फोटो पर माइन यानी मेरा लुक अपने रिश्ते को पूरी दुनिया के सामने कबूल किया है। ये कपल भी विराट अनुष्का के जैसे डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान कर रहे हैं। दोनों की शादी दक्षिण भारतीय रीति रिवाजों से होगी।